साथियों सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर के मॉडल टाउन से और वहीं मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड से, जहां पर आज दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, आसपास के लोग घबरा गए और वहीं लोग घर के बाहर निकल गए। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यमुनानगर सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस को मौके से गोली का एक खोल भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ जाहिर नहीं हो पाया है कि वो कौन लोग थे, कितने लोग थे, उनकी संख्या कितनी थी। हालांकि कुछ बदमाशों की तस्वीरें घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और मेरी आप सभी से यही अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी हैं और वहीं जांच करते हुए नजर आ रही है। तो साथियों तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर के मॉडल टाउन में दशहरा ग्राउंड से, जहां पर आज दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं और ऐसे में पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। जब आसपास के लोग इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं, लोग आसपास के घबरा जाते हैं और वहीं सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं, तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंच जाती है और कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो साथियों आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो सीन पहले कभी हम फिल्मों में देखते थे, आज वो सीन हमें दिन दहाड़े अपने आसपास दिखाई दे रही हैं। तो साथियों इस वाक्य को लेकर अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है डीएसपी कमलजीत सिंह का, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 15-20 के आसपास लड़के हैं और आपस में इनकी क्लासिंग हो रही है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे मुलाजिम जैसे वहां पहुंचे उससे पहले तो जा चुके थे, फिर उस दौरान कुछ पता लगा इन्होंने एक दो फायर वगैरह भी किया। वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं क्या था, किस चीज से चलाया था, फायर किस चीज का था, वो भी आगे देखते हैं। कौन से एक दो गाड़ियों के नंबर हमारे पास आए हैं, उसके बाद बाकी तफ्तीश में आ जाएगा, कौन जान चली गई मुकदमे देखते हैं उसमें कितने आदमी की इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो चलते चलते करे या रुके हुए थे? और भी कोई हथियार थे उनके हाथ में? भाई यही थे, सरिये पड़ी वगैरह। सरिये वगैरह कितने बजे की बात है ये? 12 बजे की बात। 12 बजे से यहाँ पार्क में हुआ था झगड़ा? तो साथियों आप सभी को दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से यमुनानगर के मॉडल टाउन में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं दो पक्षों के बीच। तो साथियों फिलहाल तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट चुका है, ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा आखिर वो लोग कौन थे जो कि दिन दहाड़े गोलियों की बरसात करके गए हैं। तो मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और अब मुझे शुक्र को दीजिए इजाजत और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल के।